नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, लगातार कुछ दिन से सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं, न्यूज़ के माध्यम पोर्टल के माध्यम से भी। कल भी हमने एक वीडियो वायरल किया था जो कि मेल का आता है, जिसे बताना चाहेंगे। एंजल सिंह उर्फ लक्की, जो कि 999 प्रोडक्शन के ऑनर थे, उन्होंने इल्ज़ाम लाए थे 3 लोगों पर। रवि कुमार, जो कि अंशकार बाज़ार के ऑनर है, दूसरा सनी और तीसरा रसविंदर जी, यानी कि इन लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे कि ये लोग लड़कियों की ज़िंदगी को ख़राब करते हैं, ये लोग गाड़ियों में गलत व्यापार करते हैं और ये लोग कहीं ना चीटिंग भी और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। पर हमारा कर्तव्य बनता है, अगर हम एक पार्टी का वर्जन लेते हैं, अगर दूसरे हमें कॉन्टैक्ट करते हैं या हमें अप्रोच करते हैं, हमारी भी ड्यूटी बन जाती है कि उनकी बात को भी जनता के समक्ष रखना। इस समय हमें हमारे साथ जुड़ चुके हैं सनी, जिनकी तस्वीर एंजल सिंह लक्की ने बताई थी मीडिया के माध्यम से प्रेस क्लब में, जब उन्होंने प्रेस वार्ता की थी। आज ये भी चाहते थे हमारे माध्यम से अपनी बात ये भी जनता तक, क्योंकि जनता का जो फैसला होता है सर्वोप्रिय होता है। और हमें अप्रोच किया, हमें बुलाया गया, तभी हम इनके पास आए। जी क्या कहना चाहेंगे सनी जी? मैम, यही कहना चाहूँगा, जो भी मेरे ऊपर एलिगेशन्स लगे हैं वो सरासर झूठ हैं। उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, उसके पास कुछ भी ऐसा। ये था मेरा बिजनेस पार्टनर, उस टाइम मैं से जानता नहीं था, मतलब कोई लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप नहीं थी, एक दो महीने से पहले से जानता था। जैसे ही रेस्टोरेंट बंद हुआ तो इसको मेरे पैसे देने थे, इसने अपने भाई को बुलाया वहाँ पर रेस्टोरेंट में विद पिस्टल जी, और मेरे पैसे लूट के ले गया 2 लाख रुपए, और उसकी कंप्लेन भी लगी है। आपने और ये कर कंप्लेन करवाई थी? हाँ, उसकी FIR की कॉपी है, 6/4 को मैंने कंप्लेन कराई थी, और उसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई रिकवरी नहीं हुई। 3/25 लगी हुई है और 382 लगी हुई है लूट मार। तो उसके बाद मैंने इसका और भी देखा कि इसकी कहाँ कहाँ FIR लगी हुई है। फिर मैंने सर्च करने के बाद मुझे पता चला FIR नंबर 6। सनी जी, ऐसा करने से क्या हासिल होगा? क्योंकि आप लोग सारे ही बिजनेस माइंडेड लोग हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं, आपको नहीं लगता इस बात को आपस में बैठकर सुलझा देना चाहिए या मसले को हल करना चाहिए? मैम देखो, हम तो लोगों के सामने सच्चाई लाना चाहते हैं विद प्रूफ, उसकी तरह नहीं जो भी मुंह में आया बक दिया जी। किसी की इज्जत के बारे में नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा। और मुझे लगता है कि मीडिया का भी थोड़ा सा दायित्व बनता है कि उस मैटर को पहले वेरीफाई करें, अगर कोई किसी के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है तो ठीक है। मैं बिना प्रूफ के कुछ नहीं बोलूंगा। तो उसके बाद मुझे पता चला रसविंदर का भी लगा हुआ वहां पे FIR नंबर 6 बागेबहू थाने में, और 307 मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर। तो एक और अभी इसने जब रवि का वो फोन चुराए तो उसके बाद वहां पे भी FIR नंबर 138 लगी छन्नी हिम्मत में। तो FIR नंबर 2016 की लगी हुई है, कोई रमीज अहमद ने लगाई हुई है इनके ऊपर क्राइम ब्रांच की, कोई 20 से 25 लाख रुपए की वहाँ पे चल रही है FIR नंबर 89। तो मतलब क्रिमिनल होके ये लोगों के सामने आके प्रूव करना चाहता कि मैं बिल्कुल साफ हूँ, और पुलिस वाले क्या बेवकूफ़ हैं जो इसके ऊपर FIR लगाए जा रहे हैं? और मैं RTI के थ्रू मैं बाकी भी FIR निकलवाऊंगा और भी, और मुझे यकीन है कि इसके ऊपर आधा दर्जन और FIR निकल जाएंगी। मतलब ऐसा बंदा सोसाइटी में रहने के लिए सोसाइटी के रहने के काबिल नहीं है। इसके ऊपर मुझे लगता है कि PSA लगना चाहिए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट जी। और जब मुझे ये बात का पता चला, मैं था आउट ऑफ स्टेट कुछ काम से गया हुआ, वैसे मुझे एकदम से फ्लाइट करा के आज ही वापस आना पड़ा, और मैं आज 9 बजे की फ़्लाइट से वापस आया। जब मुझे रिश्तेदारों ने कॉल की, मेरे पेरेंट्स ने कॉल किया कि ये सब क्या चल रहा है, तो फिर मैंने देखा तो कि ये मेरी इज्जत उछाल रहा है काफ़ी। तो मतलब इस बात को बिना वेरीफाई किए मुझे लगता है कि वीडियो को ऐसे नहीं दिखाना चाहिए। ये कुछ आप आए हैं तो आपने भी, जैसे आप डॉक्यूमेंट लेकर आए वैसे ही लकी भी लेकर आए थे, तो मीडिया को जब आप बुलाएंगे तो हम भी तो आपके कहने पर आए हैं यहाँ पे। नहीं, डॉक्यूमेंट अगर उसके पास प्रूफ थे तो वो पहले पुलिस के पास जाए, कहीं भी क्राइम होता है वो पहले कॉल करते हैं पुलिस को। अगर उसके पास कुछ ऐसा था तो वो पुलिस के पास जाए, क्या पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? वो कुछ भी आगे झूठा रख देगा, आगे पुलिस कार्रवाई कैसे करेगी? पुलिस पहले बात को वेरीफाई करेगी, उसके बाद में उसके ऊपर FIR होती है। FIR ऐसे हवा में नहीं हो जाती है कि कोई भी सड़क छाप किसी की भी ऊपर उठ के FIR कर देगा। तो इसने कुछ ना कुछ गलत किया होगा तो पुलिस ने FIR किया, तो अदरवाइज नहीं करते। अगर इसने कुछ नहीं किया होता तो इतनी दर्जनों पर लोग गलत थोड़ा हो सकते हैं। 4 FIR तो इसके सामने सामने हैं। ये देखो दूसरी FIR मैं आपको दिखाता हूँ। आप पर भी आरोप थे कि लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब करते हैं, आप गलत काम करते हैं। मैम ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ बेबुनियादे बातें हैं जिसके इसके पास कोई प्रूफ नहीं है। मेरे खिलाफ पूरे जम्मू कश्मीर में एक भी कंप्लेन नहीं है। अगर मैंने किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की होती तो क्या मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करता? हाँ, मेरे खिलाफ कोई FIR नहीं होती। हाँ, हम बिल्कुल क्लीन चिट हैं,
और ये मुजरिम होके कल्प्रिट होके जो जमानत पे बाहर है, अटेम्प्ट टू मर्डर और लूट मार ये वो, तो मतलब ये सब करके और इलीगल वेपन अपने पास रखा हुआ है और अभी तक वो रिकवरी तक नहीं किया, तो मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है ना, इलीगल वेपन लेके घूम रहा है। हमें इससे खतरा है कि इसको हमसे खतरा है? हम बिजनेसमैन लोग हैं, हाँ मेरी अपनी राइस मिल्स चलती हैं, इसका क्या काम चलता है? इसका प्रोडक्शन है फेक, 999 प्रोडक्शन चला रहा है, उसकी भी मैं आरटीआई लगा के मैं उसके सारी डिटेल निकलवा रहा हूँ और बहुत जल्दी आपके सामने रखूंगा। 999 प्रोडक्शन चला रहा है, वो बिल्कुल फेक है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। 999 नाम पर मीडिया चलाया इसने, जो बंदे रखे थे उनको सैलरी तक नहीं दी और वो भी फेक, और फेक कार्ड्स बांटे इसने, उसका भी प्रूफ है मेरे पास कि फेक कार्ड बांटे हैं इसने। फिर इसने एक मर्सिडीज गाड़ी थी इसके पास रेड कलर की, पंजाब नंबर की, वो इसने अपने नाम पे रजिस्टर कराई है, और विदाउट एड्रेस रजिस्टर नहीं होती है जी। इसका मतलब इसने पंजाब का, इसके पास आधार कार्ड भी है और इसने पंजाब का भी आधार कार्ड बनाया हुआ और विदाउट कैंसिलेशन यहाँ पे, यहाँ का कैंसिल नहीं किया, ये इलीगल है। दो दो आधार कार्ड इसके पास हैं, इस चीज़ को वेरीफाई किया गया जाए, क्योंकि साहिबजादा अजीत सिंह नगर यहाँ का आरटीओ है, वहाँ से आप डिटेल ले सकते हैं, इसका आधार कार्ड वहाँ पे अटैच होगा, मर्सिडीज़ का आधार कार्ड, वो वहाँ पे जाके चेक करिए कि दो दो आधार कार्ड क्या ये इलीगल नहीं है, तो ये बात पूछेगा कौन इससे? ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट सोया हुआ है क्या? 999 जिम चला रहे हैं, जीएसटी नंबर तक नहीं है इनके पास, सेल टैक्स वाले सोए हुए हैं, सेल टैक्स वालों को पूछना चाहिए ना जाके। इस तरह की चीज़ें करने से, किसी के फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर दिखाने से, मीडिया के माध्यम से दिखाने, कितना फर्क पड़ता है इमेज पर? ये सिर्फ हमारी इज्जत उछालना चाहता है मैम, इसके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। प्रूफ होता तो ये पुलिस के पास जाता, पुलिस के पास ये गया नहीं, ये चाहता है कि बस मीडिया में इनकी इज्जत उछाल दें तो बस इनको जितना नीचा दिखा सकें, क्योंकि कहते हैं ना कंपटीशन में जिसको कोई पीछे नहीं ना कर पाता फिर वो उसको बातों से पीछे करता है, तो इसके पास प्रूफ कोई भी नहीं है। उसके बाद ये बैंक डिफॉल्टर है, आप किसी भी बैंक में जाके पूछ सकते हैं, मैं जो बातें कर रहा हूँ मेरे पास प्रूफ है, आप बैंक में जाके पूछ सकते हैं, ये बैंक डिफॉल्टर है, इनको कोई भी लोन तक देने को तैयार नहीं है। उसने रवि को बोला कि मैंने मजाक में, मैंने वीडियो देखी न्यूज़ पे देखी कि इसने मजाक में कैमरे उतारे, उसका कैमरे ऑफ करके, ये कौन सा मजाक है, पहले कैमरे ऑफ कर रहा है उसके बाद में वो उतार रहा है जी। और इसको इतना भी नहीं पता पीछे से डीवीआर ऑफ करना, आपके बिजनेस पार्टनर थे पहले ये? हाँ, ये मेरा बिजनेस पार्टनर था। तो अब ऐसे क्या होगी कि आपस में इस तरह का मतभेद हो गया कि अब सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं? मैम एक्चुअली हम चल रहे थे पुलिस के थ्रू ही, हम कानूनी कार्रवाई कर रहे थे और जुडिशियरी पे हमें बिलीव है, हमें पुलिस पे बिलीव है, ठीक है, इसको शायद नहीं है तो इसलिए ये सब कर रहा है, क्योंकि इसके पास कोई प्रूफ नहीं है, इसने सोचा मीडिया में 10 बार झूठ बोलेगा, कोई कहते हैं ना कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो लोग उसको सच मान जाएंगे, तो वो यही बात करना चाहता है कि इस झूठ को मैं बार बार दोहराऊं, झूठ पे झूठ बोलता जाऊं, झूठ पे झूठ बोलता जाऊं, फिर लोग उसको सच मान लें। सारे जम्मू को पता है कि इससे बड़ा फ्रॉडिया कोई नहीं है, इसने आधे जम्मू के पैसे दे रहे, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और भी जितने भी लोग हैं जिनको भी इसने लूटा है, जिनके भी पैसे लूटे हैं और जिन लड़कियों की भी इज्जत खराब की है, वो लड़कियाँ भी प्लीज़ सामने आएँ और वो लोग भी सामने आए हमारे साथ, हम उनके साथ खड़े हैं जी। धन्यवाद सनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों ये थे सनी जी जिन पर इल्जाम लगाए गए थे कि लड़कियों की जिंदगी को खराब करते, एक और रसविंदर जी और रवि कुमार जी। रवि कुमार जी ने अपना कल वर्जन दिया था जो कि अंशकार बाजार के ऑनर है, और आज सनी जी भी जिन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की गई है, बल्कि जो इल्जाम लकी सिंह ने इन पर लगाए जो 999 प्रोडक्शन के ऑनर है बिल्कुल ही डिनाई करते हैं, बिल्कुल ही वो किसी भी आधार पर नहीं खड़े होते, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि मेरे पेरेंट्स हमारे इमेज को खराब करने की लगातार कोशिश की जा रही है, पहले बिजनेस पार्टनर थे पर ऐसी क्या आपदा आन पड़ी कि इस तरह से एक दूसरे पर कीचड़ उछाले। पर सवाल ये होता है कि कहीं ना कहीं अगर एक पक्ष को मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखने का अधिकार है तो दूसरे पक्ष को भी उतना ही अधिकार है मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखने का। अब काफ़ी सारे कमेंट रवि कुमार जी के कल आए थे तो ये लोगों ने कहा था कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं जो आप सामने ला रहे हो, मसला इतना बड़ा तो नहीं है पर इतना छोटा भी नहीं, क्योंकि जब किसी की क्रेडिबिलिटी, किसी की इमेज को ख़राब करने की कोशिश की जाएगी तो डेफिनेटली वो अपनी इमेज के चलते जस्टिफिकेशन देने के लिए ज़रूर मीडिया के माध्यम से अपनी जनता तक अपनी आवाज़ रखेंगे। तो जिस तरह से कल रवि कुमार जी का बताया था, आज सनी जी ने अपना पक्ष रखा और फेक जितने भी जो इल्ज़ाम लगाए उन्होंने कहा डिनाई करते हैं, और साथ ही साथ जितने भी लकी सिंह जी के ऊपर जो केसेस हैं वो सारे प्रूफ के साथ, तथ्यों के साथ हमारे समक्ष हाजिर हुए। अब जनता अपने सुझाव, अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा इस वीडियो बनाने का किसी की इमेज को ख़राब करने का बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी जो ड्यूटी है हम वही निभा रहे हैं। अगर एक पक्ष अपनी बात रखता, दूसरा हमें कॉन्टैक्ट संपर्क करता तो हमारी भी ड्यूटी बन जाती है कि उनकी बात को भी आम जनता के समक्ष रखा जाए। दर्शकों जुड़िए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।